आपका बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए, और मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप हमारे इस मसले को अच्छी तरह से हाईलाइट करेंगे। मैं जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट यहाँ सामने आई है, जिसमें उन्होंने एससी के लिए 7 सीटें रिज़र्व की हैं और एसटी के लिए 9 सीटें रिज़र्व की हैं, और ओबीसी को टोटली इग्नोर किया है। इससे ये साबित होता है कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो यहाँ चेयरमैन आई थी या उनके साथ जो टीम थी, वो ओबीसी के फेवर में नहीं ले थे ये लोग, जबकि ओबीसी की इस वक्त पॉपुलेशन जो है कम से कम 40 और 42% के करीब है। 40-42% जो लोग हैं उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। इसका हमें दुख है कि जम्मू में ये हमारी हमेशा हमने आवाज़ उठाई है कि ओबीसी के लिए रिज़र्व पॉलिटिकल रिज़र्वेशन दी जाए। 27% जो हमारी रिज़र्वेशन है जो पूरे हिंदुस्तान में दी गई है, वो जम्मू में भी दी जाए। हमारा जो एक सर्टिफिकेट बनता है 2 साल का था, उमर बुद्रा साहब की सरकार में उमर बुद्रा साहब उसको चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको बढ़ा के 4% की, मगर हमें उसका भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। जबकि एक हमारा जो सर्टिफिकेट बनता था 2 साल का था, उमर साहब ने उसको बढ़ा के 5 साल का किया। हमारा वो 5 साल भी करने से हमारा मसला हल नहीं हुआ है, क्योंकि एसटी और एससी का एक ही टाइम पे वन टाइम सर्टिफिकेट जो बनता है, हम चाहते हैं कि हमारा भी वन टाइम सर्टिफिकेट हो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमें दी जाए, ताकि हमारा समाज जो ओबीसी का समाज जो है, ये पिछड़ा हुआ समाज है, सबसे अगर दबा कुचला को समाज है तो वो ओबीसी का है। इसलिए हम चाहते हैं कि ओबीसी को अब लिफ्टमेंट करने के लिए ओबीसी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हमें ये लगता है कि जहाँ पहले भी जब हमारी कोई बात होती थी तो हमेशा हमने अपनी आवाज़ बुलंद की, तो हमें मरकजी सरकार की तरफ से ये हमें जवाब मिलता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 है, 370 की वजह से हम आपको ये 27% रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अब उन्होंने इल्लीगल तरीके से अगर 370 को हटाया है, तो उसका बेनिफिट फिर पूरे भारत की तरह हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमें मिलना चाहिए। उससे ये साबित होता है कि बीजेपी सरकार जो है हमारे साथ नानसाफी कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नज़र से सब लोगों को देखना चाहिए। बाकी हमें कोई इतराज़ नहीं है किसी को, 9 मिले हमें उनका कोई दुख नहीं है। उनको 9 के बजाय 10 मिले हमें कोई उसमें किसी का दुख नहीं। जिनको 7 हैं, 80 को 7 के बजाय 10 मिले, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। उससे हमें जानबूझ के महरूम रखा जा रहा है। ये सरकार मतलब हमारे मतलब जो है ओबीसी के लोगों के फेवर में नहीं है। सरकार ओबीसी के लोगों को कुचलने की कोशिश कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारा जो मसला जो है, ये जल्द से जल्द हमें उसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी हमें दी जाए, और बाकी जो सर्टिफिकेट का मसला जो है वो भी हल किया जाए। जैसे एससी और एससी की तर्ज पर बनाया जाता है, उसे हमारे ऊपर जो क्रीमिल एरिया रखी है, इनकम स्लैब जो रखी है, उसको हटाया जाए, वो भी ख़त्म की जाए, और वन टाइम ही हमें सर्टिफिकेट मिला जाए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमें मिली जाए, और 27% रिजर्वेशन हमें दी जानी चाहिए, और हमारे साथ नाइंसाफी ना की जाए। सरकार अगर होती है वो सबके लिए बराबर होती है, मगर हमारे साथ अस्तेलापन ये क्यों किया जा रहा है? अस्तेला माँ जैसा सलूक हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमें ये साबित हो चुका है कि बीजेपी जो सरकार है वो ओबीसी के फेवर में नहीं है, ओबीसी के लोगों के खिलाफ है। मैं तमाम ओबीसी के लोगों से आज ये अपील करना चाहता हूँ कि इकट्ठे हो जाएं। मरकजी सरकार ये बीजेपी की सरकार ओबीसी के लोगों को कुछ नहीं देना चाहती है। अगर ये कुछ देना चाहते आज वो हमारी बात उठाते। अगर इनकी इसमें रजामंदी से ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती तो आज बीजेपी वाले इस बात में बात करते कि ओबीसी को इग्नोर क्यों किया है। उन्होंने वो चुपकी इसलिए साधी है कि उनकी मर्जी के मुताबिक ये कुछ हुआ है। वो नहीं चाहते कि ओबीसी भी आई जो ओबीसी के लोग आगे बढ़े। वो चाहते हैं ओबीसी के लोगों से आप वोट लेते रहें, अपना काम चलाते रहें, इनको कुछ ना दें। इनका मकसद यही है।